हरियाणा की जो स्थिति है काफी ज्यादा खराब है, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, हरियाणा में दौरे कर रहे हैं सर, पर इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी में उलझी हुई है सरकार, आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए ऐसे जो आपदा में राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कमी है जी उसको दूर करने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं, आपदा है, पानी बहुत ज्यादा आया है पहले के मुकाबले में, लेकिन हरियाणा सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। मैं स्वयं गया था वहाँ पर, तो वहाँ के सरपंचों ने पंचायतों ने ये बताया कि हमने प्रस्ताव पास भी करे लेकिन हमारी ड्रेन साफ नहीं हुई, ड्रेन की सफाई नहीं हुई, सीवरेज साफ नहीं हुए, और जो ये आपका ठोकर लगाई जाती है जमुना के साथ ताकि पानी अंदर ना जा सके, 9 साल से ठोकर ही नहीं लगाई है, जो बंद छोटे मोटे बने उनको मजबूत करना चाहिए वो नहीं करे हैं। आज जो हमारी नहर बनाई थी हमने खोदी थी दादूपुर नलवी, उसको इन्होंने वो कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया, बंद कर दी, उसकी वजह से जो इलाका है यमुनानगर शाहबाद रादौर और ये अम्बाला तक का इलाका, उसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पानी होता है, अगर दादूपुर नलवी होती तो इतना नुकसान नहीं होता, इधर से हाँसी उठाना नहर को अगर मजबूत किया जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि जानबूझकर पानी जो है कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया दिल्ली की तरफ, वो क्या सच्चाई है उसमें, क्योंकि वो लगातार ये कह रही है कि हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है जो दिल्ली में हालात बने हैं? नहीं नहीं, जो ये कह रहे हैं त्रिकुंड का वो तो बराज है, कोई डैम नहीं है, डैम में स्टोर किया जाता है, इसमें नहीं, जब ज्यादा पानी आता है तो छोड़ना ही पड़ता है उनको, तो वो वेस्टर्न या ईस्टर्न नहीं छोड़ सकते हैं, ये तो सेंट्रल वाटर कमीशन का वो है, फिर छोड़ा ही जाता है मेन। इस तरीके से सर हर चीज के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, चाहे पोल्यूशन की बात हो, पराली जब जलती है तब भी इसी तरीके का बयान आ जाता है कि हरियाणा से जो है पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, अब पानी ज्यादा आ गया तो दिल्ली को जो है हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। सर हरियाणा तो हिमाचल को जिम्मेदार ठहरा देगा, इसको ठहरा देगा, इस पर पानी पीछे से आया है जो है, लेकिन अपनी तरफ से जो पूरी तैयारी होनी चाहिए वो भी दिल्ली सरकार की। सर लगातार जो आपके कार्यकर्ता हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे राहत सामग्री की बात करें, तमाम जो सुविधाओं की बात करें, खाने की बात करें, आपके दिशा निर्देशों के तहत पूरे अलग अलग जिलों में जा रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं गया उस टाइम तक तो सरकार ही कोई दिखाई नहीं दी, लोग खुद अपने स्वयं लगे हुए थे, लोगों ने बहुत वो किया, शाहबाद में अंदर गया मैं, वहाँ चक्कर गया तो वहाँ वहीं की जो संस्थाएं थी, चाहे वो गुरुद्वारा के लंगर था या और संस्थाएं थी, वो घर घर तक वो पहुँचाने का काम कर रहे थे, सरकार कोई करिंदा वहाँ दिखाई नहीं दिया, और करना चाहिए सरकार को तेजी से फ्रंट लिखना चाहिए, जो तो किसान हैं जो उनका नुकसान हो गया लाखों एकड़, कम से कम 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए, जो जिनकी दुकान में सामान खराब हो गया उनको मुआवजा देना चाहिए, पहले देते रहे 96 जब आया था फ्लड यहाँ पे वो दिया था, दुकानदारों को भी कम्पनसेट किया था, इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपये एक एक इंडस्ट्री उनको कम्पनसेट करना चाहिए, तेजी से जो है उनको कम्पनसेशन देना चाहिए। सर कल एनडीए की बैठक होने वाली है, हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, जेजेपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, चुनाव लड़ते हैं यमुना पार कराने की बात करके अब एनडीए का सहारा ले रहे हैं, एनडीए की बैठक में जेजेपी पार्टी शामिल होगी सर? ये गठबंधन जो है कोई नीतियों के आधार पर थोड़ी है, ये तो स्वार्थ के आधार पर है और भ्रष्टाचार फैला हुआ इसी वजह से है। सर अब विपक्ष की बैठक भी आज बेंगलोर में जो है 2 दिन देखने को मिलती नजर आई, आज डिनर और कल जो है विपक्षी दलों की तमाम बैठक हुई, किस तरीके से इसको देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव? अच्छा कदम है, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, प्रजातंत्र मजबूत। ठीक है।